बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, महिला समेत तीन बच्चों का शव मिला है। अंदर से कमरा बंद था ये बताया जा रहा है, जहां पे ये शव मिला है, और आत्महत्या की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कमरा बंद बताया जा रहा था और जब कमरा खुलवाया गया तो अंदर एक ही परिवार के लोग मौत की हालात में पाए गए। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। शोएब, क्या कुछ ताजा मामला है, कैसे, किस, क्या वजह बताई जा रही है इस हादसे की, क्या क्यों आत्महत्या करना पड़ा? बिल्कुल, अभी अगर इस बारे में बात की जाए तो बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि शुरुआती चीजों से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आत्महत्या हो सकती है, लेकिन पुलिस हर दिन सस्पेंड करने की बात कह रही है। पिछली रात में ये लोग एक पारिवारिक दावत में गए थे, वहां से वापस आने के बाद अपने कमरे में गए और उसके बाद सुबह में जब ये कमरा नहीं खुला तो इनके खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई आहत नहीं तो लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जी बिल्कुल। सोएब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उस परिवार, एक ही परिवार के लोगों का शव मिला, तो उस परिवार में कितने लोग थे? बिल्कुल, इस परिवार में जिन्होंने आत्महत्या की है उनके बच्चे और उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि जो महिला थी उनकी शायद पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, तो परिवार में इनका जो निजी परिवार था उसमें ये और अपने बच्चों के साथ रह रही थी। रिश्तेदार इनके जरूर हैं, तो इनके परिवार में जो रिश्तेदार हैं उसके अलावा ये पूरा परिवार लगभग समाप्त हो गया है। इनके जो बच्चे थे, तीन बच्चे थे, उन्होंने उनकी भी लाश वहीं पे मिली। बच्चे हालांकि छोटे हैं, जो 4 से 8 साल के बीच की उम्र है उन बच्चों की, तो छोटे बच्चे हैं और एक महिला है जिन्होंने जिनकी लाश मिली है। जी बिल्कुल सोएब, हम अपने दर्शकों को R9 टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो शोएब, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, पुलिस अब हालांकि अभी वहां पे जो इस तरह के हालात है, काफी भीड़ भी इकट्ठा है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जो चीजें परिवार से या लोगों से पूछताछ में निकलेगी, पुलिस उस पर आगे बढ़ेगी। जो पारिवारिक कंप्लेन होगी यानी FIR के लिए उन उसको आधार पर होगी, लेकिन जो अभी तक चीजें निकल कर आ रही है उस पर इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि हो सकता है ये आत्महत्या, क्योंकि अंदर से दरवाजा बंद भी था और अभी तक जो ऊपर से देखने पर शरीर में चोट के निशान भी नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पुलिस अभी तय नहीं है कि इसको आत्महत्या माना जाए या हत्या भी कारण हो सकता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये की चर्चाएं जरूर हो रही है, तरह तरह की चर्चाएं हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में 5 मर्डर भी हुआ था, तो इस तरह की चीजें देखती है पुलिस, हर बिंदु पर जांच बात कह रही है। जी बिल्कुल शोएब, महिला के साथ उनके बच्चे भी थे, तीन बच्चे थे, तो बच्चों की उम्र क्या कुछ रही होगी? बच्चे बहुत छोटे थे, 4 से 8 साल के बीच की इनकी उम्र थी, ये कहा जा सकता है कि बहुत बच्चे थे, बहुत छोटे थे, और उनके साथ ही लाश एक ही कमरे में इन सारी लोगों की मिली है। रात में ये लोग एक दावत में गए थे, वहां से जब ये वापस आए थे तो उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। सुबह में जब वो कमरा नहीं खुला तो लोगों ने, यानी उनके परिवार के जो अन्य रिश्तेदार हैं, उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं तो और लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद ये सारी जानकारी हुई है। तो पुलिस अब उन तमाम बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर और लोगों की बातचीत पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे असली वजह क्या है, क्या कोई विवाद। जी बिल्कुल सोएब, अब तो पोस्टमार्टम के बाद या पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार असल में क्या कुछ मसला रहा था। पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि यदि कोई आत्महत्या करता है तो उसके या तो पति से विवाद अच्छे नहीं रहे होंगे या आर्थिक तंगी होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रही होगी। तो आप मौके पर मौजूद भी हैं, आसपास लोगों की भीड़ भी है, क्या कुछ आपने परिवार से बात की या मोहल्ले पड़ोसी किसी से बात की? कुछ आपसी मतभेद का तो मामला ये नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई या परिवार वालों में लड़ाई, रिश्तेदारों में लड़ाई, ऐसी कोई समस्या तो नहीं सामने आ रही है?
अभी इस बारे में सीधे तौर पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। लोग हैरान हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रात में रात तक जिस तरह की स्थितियां थी उसमें इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन पूर्व की कोई घटना या कोई कारण, ये तमाम चीजें हैं जिसको अब लोग उससे लिंक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन दिनों के बीच की बात हो तो इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे वो लोग इसको जोड़ सके। परिवार के लोग भी इस बात को बहुत अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन चूंकि धीरे धीरे अभी इस बारे में इस सच्चाई में आगे बढ़ पाएंगे कि असली वजह क्या हो सकती है। हालांकि जो चीजें दिख रही हैं यही सारी चीजें जिसकी वजह से लग रहा है कि हो सकता है आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या की भी कोई मजबूत कारण होना चाहिए, वो भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो पुलिस अब इन तमाम बिंदुओं पर जांच करके ही कोई निष्कर्ष निकाल पाएगी। जी सर, कोई भी उनके परिवार का सदस्य वहां मौजूद है क्या, उनके रिश्तेदार के लोग या आसपास के लोग जो उनके बहुत करीबी रहा हो, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, उनके परिवार की एक वृद्ध है, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि रात में वो लोग दावत में गए थे, उनकी तरफ से ही बताया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनकी रात में मुलाकात हुई थी, लेकिन सुबह में सबसे पहले उन्होंने ही आवाज लगाई। जब आवाज के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो उसके बाद और लोगों को इसकी जानकारी दी, फिर उसके बाद ये घटना हुई, तो वो खुद भी हैरान है और वो भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए अभी बहुत कुछ इस बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल सोएब, अब तो पुलिस की जांच के बाद ही समझ पाएंगे आखिर में मसला क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।